दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आप आज दिखाएंगे आपको थ्री ट्रैक की 4x4 यानी कि 48 इंच x 48 इंच की थ्री ट्रैक विंडो। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये 4x4 की विंडो है और हमने इसमें तीन पल्ले इस्तेमाल किए, यानी कि थ्री ट्रैक के नाम से आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे हमने इसमें तीन पल्ले चलाए हैं, यानी कि एक पल्ला इसमें हमने जाली का चलाया है और दो पल्ले इसमें हमने ग्लास के चलाए हैं, जो कि प्लेन ग्लास हमने इसमें इस्तेमाल क्या है। इसकी कॉस्ट के बारे में आपको बताएंगे, इसमें कितनी कॉस्ट आ जाती है, इसके स्क्वायर फीट कितने रुपए में मार्केट में आपको ये बनती है। तो दोस्तों मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, ये हमारा ये जाली का पल्ला है और इस जाली के पल्ले को मैं चला के दिखा देता हूँ। हमने इसमें जो व्हील्स का इस्तेमाल किया है, हमने इसमें जो व्हील चलाए हैं वो काफ़ी अच्छे व्हील्स हैं, ब्रांडेड व्हील हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आती। तो चला कर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, तो पल्ले काफी ज्यादा स्मूथ हैं और मैं चलाकर थोड़ा सा देख सकते हैं कितने स्मूथ ये पल्ले बने हुए हैं। इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, हमने जो इसमें मटेरियल का इस्तेमाल किया है वो हमारी 100mm x 43mm की जो ट्यूब्स होती हैं आउटर के लिए, हमने उसका इस्तेमाल किया है। और इसके जो हमने ट्रैक है, आप जानते ही हैं थ्री ट्रैक का इसमें इस्तेमाल किया है, तो तीन पल्ले ऑलरेडी इसमें चले हुए हैं। स्टार लॉक का, 6 स्टार लॉक्स का हमने जो ईगल ब्रांड आता है उसका स्टार लॉक का इस्तेमाल किया है और हमने इसको मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया। इसके आउटर के लिए हमने जैसा कि बताया, हमने इसमें 100mm x 43mm की ट्यूब का इस्तेमाल किया, जिसे हम 4.25 भी सरल भाषा में बोलते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा ट्रैक का आउटर बना लेते हैं और ट्रैक का आउटर बनाने के बाद विंडो बना देते हैं, मगर हम इस तरीके का काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले इसका आउटर बनाते हैं 100mm x 43mm की ट्यूब का, अगर हम थ्री ट्रैक विंडो बना रहे हैं, और थ्री ट्रैक अगर विंडो है तो हम इसमें बने हुए हैं जो बीच का खाना है, ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये एसी के लिए हमने बनाया है, जिसका साइज है लगभग 17.5x26.5 इंच। ये थ्री ट्रैक विंडो है और थ्री ट्रैक में हमने दो पल्ले ग्लास के बनाए हैं और एक पल्ला इसमें जाली का बनाया है। तो दोनों पल्लों को हम चला कर दिखाएंगे, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इधर से चला के दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ ये पल्ले देख सकते हैं काम कर रहे हैं, इधर से भी ये देख सकते हैं। अभी इधर के पल्ले को भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, दोस्तों थोड़ा सा साइड से जाके दिखा देते हैं हम, ये देख सकते हैं ये तीन पल्ले आपको नज़र आ रहे होंगे, ट्रैक भी आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये स्टार लॉक को लॉक करने के लिए जो हमारा लॉक टाइप का प्लास्टिक का ये खांचे होते हैं, तो ये इसमें जाकर फंस जाते हैं, जिससे हमारा पल्ला लॉक हो जाता है। अब दोस्तों देख सकते हैं, हम ऊपर की तरफ आपको दिखा देते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें हमने इसमें तीन खाने बनाए हैं, दो साइड के फिक्स होंगे और एक जो बीच का इसमें है वो एसी का खाना होगा। दोस्तों अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो लगभग 16 स्क्वायर फीट की ये विंडो है और इसमें क्या है कि ऊपर देख सकते हैं वेंटिलेशन है, यानी कि एसी के लिए हमने छोड़ा हुआ है और ये इधर दो फिक्स हैं छोटे छोटे से। तो इसकी कॉस्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ, अगर मार्केट में आप परचेज करना चाहते हैं, इस विंडो को खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं मार्केट में, तो लगभग 380 रुपये स्क्वायर फीट यानी कि लगभग 6000 रुपये के आसपास की ये विंडो आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको विंडो बनी हुई मिलेगी मार्केट में। हमने इसमें 1.5 पौना का सेक्शन यूज किया है, यानी कि 40 का जो सेक्शन होता है हमने उस सेक्शन का इसमें इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा चलाकर इसको दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं, और एसी का जो विंडो है उसका साइज, इसी चीज का मैं साइज बता देना चाहता हूँ आपको, इसकी जो हाइट है लगभग 17.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 26.5 इंच यानी कि 17.4x26.5 हाफ। तो ये एसी के लिए हमने छोड़ा हुआ और इधर हमारा दोनों छोटे छोटे सीसे ग्लास फिक्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इस विंडो को बनाया गया। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।